तो भाई मैकलोडगंज से अब वापस जाते हुए हम वापस जा रहे हैं, तो जाने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा फिर आने के लिए। वापसी अब हम माधवपुर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ है कोरल रिवर रिजॉर्ट, तो यहाँ पे हम अभी खाना खाने लगे हैं, भूख लगी है, तो यहाँ पे खाना खा के फिर हम निकलेंगे वापस जम्मू की तरफ, अपने घर की तरफ। तो यहाँ बड़ी सारी सेटिंग्स हैं, देखिए काफ़ी अच्छा, सुंदर भी है काफ़ी। यहाँ पे ये बाहर बैठ के भी आप खा सकते हैं, इनके कॉम्बो वगैरह ले सकते हैं, अंदर भी है जगह। हाँ, यहाँ पे आप अपना फोटो सेशन भी करा सकते हैं। वीहा को हम बिठा के अभी उसका वीडियो बनाएंगे। तो ये देखो भाई, वीहा बैठ गई है बड़ी सी चेयर पे। हॉट है ओ इनका रिवर के साथ, तो इसलिए इसका कोरल रिवर रिजॉर्ट नाम है। तो सीटिंग काफ़ी अच्छी है, एम्बियंस भी है, नज़ारा भी काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ बैठ के हम अब खाना खाएंगे। ये देखो कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पे आप रूम लेके रह भी सकते हैं, तो अच्छा, मतलब आपने अगर टाइम स्पेंड करना है एक दो दिन के लिए यहीं पे आके, तो आसपास जम्मू से या पंजाब से जो आसपास हैं लोग वो भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं अब खाने को क्या है, क्या ऑर्डर करते हैं हम, फिर खाना खा के फिर बताते हैं, फिर हम वापस निकलेंगे जम्मू की तरफ। ग्रीन सैलड आ गया है, पहले हम चले आए हैं। हवा देखो कितनी ज़बरदस्त चल रही है और क्या मौसम है। दरिया किनारे बैठ के खाना खाना, वाह इसका मज़ा। भैया कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? तो फिर लो, फिर चलो थोड़ा खा लेते हैं हम, ग्रीन सैलड है ना। ये भाई हमारा रायता आ गया है, ये है पनीर बटर मसाला, ये है दाल तड़का साथ में बटर नान, और ये आटे वाली बटर रोटी। अब हम खाएंगे फिर खा के बताएंगे कैसा है। तो भाई पहले मैं ये ले लूंगा इसकी पनीर बटर मसाला की बाइट, बहुत ही टेस्टी, वाह बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसा पहले पनीर बटर मसाला शायद ही कहीं खाया है। दाल तड़का भी बहुत उम्दा किस्म की है। ये रायता, वाह दही बहुत मीठा और ज़बरदस्त। दाल तड़का की एक बाइट, मम्मा अपने बनी फोटो
भाई मज़ा आ गया, भूख लगी थी। ये देखो पनीर बटर मसाला, चावल। और हम इसको फिनिश करेंगे, फिर हम सीधे घर पहुंचेंगे। अब इसके बाद तो चलो फिर मिलते हैं अब अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा सा